जैसे कि हमने अभी पढ़ा साइमन कमीशन 1928 में आया, देन 1929 में लाहौर में लाहौर कांग्रेस हुई, जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रण लिया अपने सभी लीडर्स अपने सभी मेंबर्स के साथ कि हमने 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी और प्लेज किया इस चीज को लेके कि हम सभी देश को आजाद करवाने के लिए इंडिपेंडेंस के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में महात्मा गांधी भी कोई ठोस एक्शन लेना चाहते थे, कुछ टफ करना चाहते थे देश की आजादी के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सोचा कि कुछ किया जाए जिससे के कुछ स्पेशल किया जा सके देश की आजादी। तो इस काम के लिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 ऑन 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने उस समय के वाइस राय लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा एंड 11 डिमांड्स उसमें लिखी कि उनकी ये मांगे हैं। इन सभी डिमांड्स में से एक डिमांड थी जो काफी अहम थी, दैट वाज द एबोलिश सॉल्ट टैक्स, नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको खत्म करने के बारे में। महात्मा गांधी इस सॉल्ट मार्च इसने तरीके से मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व करके साथ लेके चलना चाहते थे ताकि एक मास मूवमेंट हो सके। तो इसीलिए उन्होंने सॉल्ट मार्च, जो सॉल्ट है टैक्स है, इसको तभी सबसे अहम अहम माना जाता है क्योंकि सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मैक्सिमम हर पर्सन के द्वारा यूज की जाती है, चाहे वो अमीर है गरीब है रिच है पुअर व्हाटएवर, किसी भी सोसाइटी को बिलोंग करता है, देन दे आर यूजिंग सॉल्ट। इस सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगाया हुआ था गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट को ही अधिकार था कि सॉल्ट की प्रोडक्शन कर सके, टैक्स भी ज्यादा था। महात्मा गांधी ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है लोगों को लूट रही है, उनका खून चूस रही है। इस लेटर में उन्होंने ये भी लिखा कि अगर 11 मार्च तक 11 मार्च तक इफ देयर डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड देन द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन, सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन। तो अगर कांग्रेस की ये 11 डिमांड्स को 11 मार्च तक नहीं माना गया तो एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन शुरू करेंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इन डिमांड्स को देख के उस समय का लॉर्ड इरविन वाइस रॉय जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ही वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, उन्होंने इसको बिल्कुल ही नहीं माना और इसको रिजेक्ट कर दिया। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च, उन्होंने अपनी ये नमक यात्रा शुरू की, अपने 78 वॉलंटियर्स ट्रस्टेड वॉलंटियर्स अपने साथियों के साथ उन्होंने ये सॉल्ट मार्च डांडी मार्च यात्रा जो है इसकी शुरुआत की। कहाँ से शुरू की, अपने आश्रम से अपने साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक, गुजरात में ही ये हुई, गुजरात में साबरमती आश्रम से लेके एक बिल्कुल कोस्टल टाउन था डांडी, वहां तक ये यात्रा की 240 मील्स की यात्रा, 240 माइल्स की ये यात्रा थी जिसको पूरा करने में 24 डेज लगे और 6 अप्रैल तक वो डांडी पहुंचे। और यहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने नमक का जो कानून था कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ब्रिटिश कंपनी कर सकती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर सकती है, इसको तोड़ा, इसकी वायलेशन की और खुद से समुद्र का पानी उसको बॉयल करके खुद सॉल्ट बनाया और इस नमक का कानून है इसको तोड़ा। इस सॉल्ट मार्च को डांडी मार्च या डांडी सत्याग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और इस यहाँ पे इस कानून से तोड़ने से ही एक नए मूवमेंट को
शुरुआत मिली। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस तरह से सॉल्ट मार्च वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट एफर्ट बाई महात्मा गांधी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन इसमें से वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग में से आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबने अच्छे से इसको समझना है। ओके, ये है गुजरात, गुजरात का साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक पहुंचे। यहाँ पे 241 माइल्स लिखा हुआ है, लेकिन हमारी बुक में जो 240 माइल्स लिखा है, 78 वॉलंटियर्स थे, 24 डेज लगे। तो आप इसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, बिकॉज हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें यही डेटाज दिए गए हैं, दीज आर मोर एक्यूरेट। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो में इतना।